हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। देश में कोरोना के 24 घंटों में 41,506 नए मामले मिले, 895 लोगों की इस दौरान जान गई। जी हां, देश में कोरोना के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। देश में बीते 24 घंटों में 41,506 नए मरीज मिले हैं, जबकि 895 लोगों की जान चली गई है। इससे एक दिन पहले 42,766 नए मामले मिले थे और 1,206 लोगों की जान गई थी। फिलहाल एक्टिव मामलों की संख्या देश में 4,54,118 है और अब तक कुल 4,08,040 लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही 37,60,32,586 लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी का जलवा, सपा 100 में सिमटी। नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को बताया जीत का हीरो। जी हां, आपको बता दें कि शनिवार को 825 में से 776 ब्लॉक प्रमुखों के लिए कराए गए चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। यूपी में बीजेपी ने कुल 825 सीटों में से 609 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी 93 सीटों में ही सिमट गई है। इस चुनाव की बड़ी खासियत यह है कि बीजेपी के 338 उम्मीदवार नामांकन वापसी के दिन ही निर्विरोध चुन लिए गए थे। आपको बता दें कि इस विषय पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता के सामने अपनी बात उन्होंने खुद रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं उससे एक बात साफ है कि प्रदेश की जनता ने सरकार की नीतियों में भरोसा जताया है। दिल्ली में अनलॉक 7 की गाइडलाइन जारी, इन्हें मिलेगी छूट। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के बीच दिल्ली सरकार ने अनलॉक 7 की गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इसमें किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए छूट दी गई है। अब ऐसी किसी भी ट्रेनिंग के लिए DDMA की अनुमति नहीं लेनी होगी। अनलॉक 7 की गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी हुई ट्रेनिंग भी शामिल है। इसके साथ ही एकेडमिक गैदरिंग की अनुमति दी गई है। स्कूल कॉलेज कोचिंग फिलहाल बंद है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि से संबंधित कार्यक्रम पर रोक है। आम आदमी पार्टी ने कहा, दिल्ली में अगर हरियाणा ने जलापूर्ति बहाली नहीं किया तो दिल्ली भाजपा प्रमुख का पानी बंद कर दिया जाएगा। जी हां, आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार अगले 24 घंटों के भीतर दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं देते हैं तो भगवा पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष के घर पर पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली की जलापूर्ति में प्रतिदिन करीब 10 करोड़ गैलन की कटौती की है। एक संवाददाता सम्मेलन में भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 90 करोड़ गैलन पानी का उपयोग होता है, जिसमें से हरियाणा सरकार ने प्रतिदिन करीब 10 करोड़ गैलन पानी की आपूर्ति को कम कर दिया है। भाजपा की इस गंदी राजनीति से दिल्ली के 20 लाख लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली को उसके हिस्से का पानी अगले 24 घंटों में नहीं मिला तो दिल्ली भाजपा अध्यक्ष के मकान में पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। दिल्ली में भी शुरू हुआ सेंट्रल विस्टा विरोधी भारत अभियान। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP की राज्यसभा सदस्यों वंदना चौहान और फौजिया खान, कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल सहित कुछ लोगों ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा विरोधी भारत अभियान शुरू किया। एक बयान के अनुसार समूह ने मुंबई में 5 जून को सेंट्रल विस्टा विरोधी भारत अभियान शुरू किया था। यहां महाराष्ट्र सदन में संवाददाता सम्मेलन में किसान नेता और समूह के सदस्य अशोक धावले ने बताया कि इस अभियान को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में भी विधानसभा चुनावों से पहले शुरू किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा की पुनर्विकास परियोजना में त्रिभुजाकार संसद भवन का निर्माण, एक समेकित केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का सौंदर्यीकरण, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नए आवास शामिल हैं। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए नियुक्त किया शिकायत अधिकारी। जी हां, ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए कंपनी का निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को कंपनी ने यह कहा था कि नए IT नियमों के तहत शिकायत अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया में है और 11 जुलाई को या फिर उससे पहले ऐसा होने की उम्मीद है। और अब ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए नियुक्त किया है शिकायत अधिकारी।
केरल में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच एक बार फिर एक और नए वायरस का खतरा जीका के अब तक 15 केस आ गए हैं सामने। जी हां, कोरोना वायरस संकट के बीच केरल में जीका वायरस का एक और मामला सामने आया है, जिसके बाद राज्य में जीका वायरस के मामलों की संख्या 15 हो गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया कि एक 40 वर्षीय शख्स का सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजा गया था। यहां पर जांच रिपोर्ट में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। तिरुवनंतपुरम में अब तक जीका संक्रमित 14 लोगों की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि सबसे पहले 17 लोगों के जांच सैंपल भेजे गए थे, जिनमें जीका की पुष्टि नहीं हुई थी। इसके बाद 27 लोगों के सैंपल भेजे गए, जिनमें से एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।